तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, भरत राम का प्रेम। ठीक है, इसमें इसकी व्याख्या को भी जानेंगे और इसके शब्द के अर्थ को भी जानेंगे। कौन सा चैप्टर है? भरत राम का प्रेम, जो कि लिखा है कि इन्होंने तुलसीदास। ठीक है, तुलसीदास जो है इसमें बोल रहा है कि देखो, भरत राम का प्रेम तुलसीदास की सर्वश्रेष्ठ रचना रामचरित मानस के अयोध्या कांड से अवतरित है। ये जो भरत राम का प्रेम जो है, ये चैप्टर तुलसीदास की जो सर्वश्रेष्ठ रचना है, कौन सा? रामचरित मानस, उसी में से कुछ लिया गया है। जो अयोध्या कांड हुआ है उसको बताया है इसमें। इन छंदों में राम के वन चले जाने के बाद भरत की पीड़ा का चित्रण किया गया है। जब राम वनवास चले गए थे तो उस टाइम उसके अंदर में जो पीड़ा हुआ है, जो दुख हुआ है, उस दुख को इसमें चित्रण किया गया है। ठीक है, तो इसमें है पुलकी शरीर सभा भय ठाड़े, नीरज नयन नेह जल पाड़े, कई भी मोर मुरीनाथ निबाहा, यतीते अधिक कहो मैं कहा, मैं जानू नीच नाथ सुभाव, अपराधी हूँ पर कहो न काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु दिसेखी, खेलत खुनीस न कब हु देखी, शिशुपन ते परी हेरु न संग, कबहु न किन्हि मोर मन भंग, मैं प्रभु कृपया रित जिया जोही, हरे हो खेल जिताव ही मोही, महु स्नेह संकोच बस सन्मुख कहीं न बेन, दर्शन तुपीत न आजू लगी प्रेम प्यासे नैन। यहाँ पे जो पुलकी है, पुलकी का अर्थ क्या है? पुलकित होकर। ठीक है, इसमें कवि क्या कहते हैं कि चित्रकूट में सभा लगी हुई है। कहाँ पे? चित्रकूट में। मुनिवर वरिष्ठ जी अपना वक्तव्य रख चुके हैं। जो वरिष्ठ मुनि है उन्होंने अपना वक्तव्य रख चुके हैं। वे भरत को आदेश देते हैं कि तुम अपने मन की बात कह दो। अब भरत को कहते हैं क्या कि तुम अपने मन की बात कह दो, संकोच मत करो, जो अंदर में उस चीज को बाहर निकाल दो। तब भरत भाव विभोर हो उठते हैं, उनका शरीर रोमांचित हो जाता है। मुनि व स्वामी श्री राम की अनुकूलता जानकर वे खड़े हो जाते हैं, उन्हें कमल रूपी नेत्रों से जल की बाढ़ आ चुकी है। यानी भरत इतना ज्यादा राम को चाहते थे, जब राम का नाम उनके अंदर में आते ही पूरा पिघल जाते थे, इतना ज्यादा वो चाहते थे। जब उनको पता चला कि अब हमको राजा बनना है, राम वनवास चले गए हैं, तब उनको पता चला, उनकी माँ जो थी तब उनको पता चला कि ये तो राजा बनना चाहता ही नहीं। थोड़ा सा भी उसके अंदर में नहीं था कि हम राजा बनेंगे। राजा बनाने किसको चाहता था? वो अभी राम को ही चाहते थे। लेकिन सब उल्टा हो गया, मामा घर से आके देख रहा तो सब तो बर्बाद। तब उसके अंदर से एकदम आंसू के एकदम बाढ़ सा आ गया। वे कहते हैं कि मैं जानना जो कहना चाहता था वो सारा मुनि श्रेष्ठ यानी जो वरिष्ठ है वहां पे वह कह चुके हैं। भरत इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ? वो बोल रहे कि मैं इससे अधिक और क्या कह सकता हूँ? मैं अपने स्वामी श्री राम के क्षमाशील स्वभाव को जानता हूँ। ये क्या बोल रहे कि मैं अपने जो श्री राम है उनके क्षमाशील स्वभाव को जानता हूँ। वो किस तरह से है, उनका स्वभाव कैसा है? वे कभी भी अपराधी पर क्रोध नहीं करते हैं। अगर कोई अपराध भी करते हैं तो उनके ऊपर वो कभी क्रोध नहीं करते हैं। मुझ पर तो इतनी अत्यधिक कृपा है। अब तो मैं उनका भाई हूं तो मेरे ऊपर कितना उसका कृपा हो। बचपन में जब हम साथ साथ खेलते थे तब मैं कभी अप्रसन्न नहीं हुए। जब बचपन पूरा हम लोग का पार हो गया तब कभी मैं अप्रसन्न नहीं हुए उनसे। बचपन से इन्होंने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा है। आज तक कभी भी इन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा है। इन्होंने कभी भी मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचाई है। मैंने इनमें स्वामी श्री राम की कृपा का सदैव अपने हृदय में अनुभव किया है। इनकी कृपा की रीति विशेष है कि मैं बचपन में ये मुझे हरा हुआ खेल भी जिता देते थे। बोल रहे मेरे श्री राम ऐसे थे, जो स्वामी ऐसे थे कि अगर हम कोई खेल हार भी जाते थे तो क्या करते थे, हरा हुआ खेल को भी हमको जिता देते थे। ऐसे थे मेरे स्वामी श्री राम। मैं भी प्रभु श्री राम के अगाध प्रेम के कारण संकोचवश कभी भी अपना मुंह नहीं खोला।
इतना ज्यादा प्रेम किया उन्होंने कि मैं कभी भी अपना मुंह खोला नहीं उनके सामने। मैं उनके सामने पढ़कर कभी नहीं बोला, इनके दर्शन के प्रेम के प्यासे मेरे नेत्र आज तक भी तृप्त नहीं हुए हैं। आज भी मेरी आंखें इन्हें ही तलाशती रहती है। आज जो मेरे सामने श्री राम नहीं है तो मेरी आंखें किसको तलाशती है? श्री राम को तलाशती है। कब जाके उनको देखे और अंदर से प्यास मिटे। नेक्स्ट में जो इसमें बोलते हैं, विधि न सके उ सही मोर दुलारा, नीच बिचू जननी मिस पारा। यहू कहत मोही आजू न शोभा, अपनी समुझी साधु सुचि को भा। मतु मंदी में साधु सुचाली, उर अस आनट कुटी कुचाली। फायर के कोदव बलि सुमाली, मुक्ता प्रसस्व की संबुक काली। सपने हु दोषक लेसु न कहूँ, मोर अबाद उद्दधि अवगाहु। बिनु सुमेझे नीच अघ परिपाकु, जरे उ जाय जन ने कहे काकु। हृदय हेरी हरे उ सब ओरा, एक ही भांति भले ही भल मोरा। गुर गोसाई साहिब सिंह राहू, लागत मोही नीक परिणाम। साधु सभा गुरु प्रभु निकट कहो सुथल सती भाव। प्रेम प्रपंचु की झूठ भरु जन ही मुनि रघुराव। इनमें क्या कहते हैं, श्री राम के प्रिय अनुज भरत की मनोदशा भाव विवलता से प्रभावित है। विधाता श्री राम के प्रति दुलार सह नहीं सका, यानी इतना ज्यादा जो दुलार था श्री राम के प्रति इनका, इतना ज्यादा श्री राम इनको दुलार से रखते थे, वो विधाता को सहा नहीं, विधाता वो सह नहीं पाया उस चीज को। कितना ज्यादा प्यार है दोनों में, चलो अलग कर देते हैं। उस विधाता ने षड्यंत्र किया कि मेरी माता का बहाना लेकर, किन्होंने षड्यंत्र रचा, विधाता ने, किसका सहारा लेकर, माता का बहाना किया कि कौन कहेगा वो माँ कह देगा, तथा मेरे स्वामी के बीच अंतर डाल दिया। इतना ज्यादा जो प्रेम था बीच में अंतर डाल दिया। ईश्वर तथा माता के प्रति ऐसे वचन कहना भी मुझे भरत को शोभा नहीं दे रहा है। माता के प्रति में जो इसे कटु वाक्य का जो बोल रहा हूँ वो मेरे अंदर में ये शोभा नहीं दे रहा है। वास्तव में अपनी समझ के आधार पर कोई विश्व जन और पवित्र नहीं होता है, इसका निर्णय दूसरे लोग ही करते हैं। मेरे द्वारा स्वयं को साधु तथा माता को, माता यानी कौन, कैकेयी को अधम मानने का विचार भी हृदय में लाना करोड़ों दुराचारों के समान है। माता का जो हम ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे इसके लिए क्या बोल रहे हैं, करोड़ों दुराचार, यानी सबसे ज्यादा जो दुष्ट होता है वो माता के बारे में ऐसा बोलता है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ये बोलना मेरे लिए पाप है। माँ को दोष देना पूर्णतः अनुचित है, माता को दोष देना पूर्णतः अनुचित है। क्या जंगली धान उत्तम चावल की बाल का स्थान ले सकता है? क्या काली घोंघी उत्तम कोटि का मोती उत्पन्न कर सकती है? वास्तव में मेरा दुर्भाग्य ही प्रबल है, मैं सपने में भी किसी को दोष नहीं दे सकता हूँ। ये दोष किसका है, मेरा भाग्य का है, जो किसने खेला, विधाता ने खेला। मेरा दुर्भाग्य अर्थात समुद्र की भांति है, मैंने अपने पूर्व जन्म पापों का परिणाम समझे बिना ही माता को कटुक वचन कहकर बहुत जलाया तपाया है। ये मेरे अगले जन्म का कुकर्म है, जो अगले जन्म में किया हो वो मेरे मिला है, इस जन्म में मिला है वो। माता को हम जो कुकर्म कह रहा है वो मेरे पाप है, वो हमको नहीं बोलना है। जो बोल रहे हैं कि मैं अगले जन्म में किया हूँ, जलाया हूँ, तपाया है, मैंने अपने हृदय में बहुत खोज की और अपने भले कर्म साधनों की तलाश कर करके मैं सब ओर से हार गया। निश्चित रूप से एक ही प्रकार मेरा भला है, मेरे गुरु महाराज सर्व समर्थ है और मेरे स्वामी सीताराम है। मेरे स्वामी कौन है, सीताराम है। बोल रहा है इसमें थोड़ा सा भी अगर मैं कुकर्म किया हूँ तो उस कुकर्म के लिए जो अच्छा काम किया हूँ, अगर थोड़ा सा भी अच्छा काम किया हूँ उस अच्छा काम के लिए ही हमको मिला है, मेरे स्वामी सीताराम मिला है। इन्हीं की
उत्तमता के कारण मुझे मेरा परिणाम अच्छा लग रहा है, अर्थात इन्हीं के कारण मेरा कल्याण संभव है। भरत कहते हैं, सज्जनों की इस सभा में गुरुदेव और मेरे स्वामी श्री राम उपस्थित है। यह स्थान एक पवित्र तीर्थ है। मैं इन सबके निकट पूर्ण सत्य भाव से कह रहा हूँ कि मेरे यह आचरण प्रेम है या छल कपट, झूठ है या सच है, इसे तो केवल गुरुदेव वरिष्ठ जी और रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी ही कहते हैं, जानते हैं ना। जो अंदर में मैं जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, ये जो बोल रहा है इसके अंदर में बोल रहा है, मैं जो छल कपट कर रहा हूँ या फिर झूठ बोल रहा हूँ या फिर सच बोल रहा हूँ, ये कौन जानते हैं? श्री राम जानते हैं और जो वरिष्ठ है यहाँ पे हम जो गुरुदेव है वो जानते हैं कि मेरे अंदर में क्या बोल रहा हूँ, कुछ झूठ बोल रहा हूँ, छल कपट कर रहा हूँ अगर किसी के ऊपर। फिर बोलते हैं, भूपति मरण पम पेनु राखी जननी कुमंती जगतु सबु राखी देखी न जाही बिकल महतारी जरही दुसह जर कूर नर नारी मही सकल अनरथ कर मूला सो मुनि सुमझी सहियु सब सोला। सुनी बन गवनु किन्न रघुनाथा करी मुनि वेश लखन सिय साथा बिन पनहीन पयोधि ही पाए संकरु साखी रहु एही घाए बहिरी निहारी निषाद सनेहु कुलीस कठिन उर भवु न बेहु सब अब सबु अखिन देखेउ आई जियत जीव जड़ सबई सहाय जिनही निरखी मग सपीन बिछी तजही विषम विषु तामस पीछे तेई रघुनंदनु लखनुष्य अनिहित लागे जाहि तासु तनह तजी दुसह दुख देव सहाय काकी। इसमें फिर कवि कहते हैं कि भरत अपनी भावुकता को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं, पिताजी महाराज ने प्रेम के प्रण को निभाते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। कौन? दशरथ ना। दशरथ ने क्या क्या वचन दिया कि अब तुम राम को वनवास भेजेंगे, क्योंकि कैकेयी ने वचन मांग लिया था कि अब जो भी वचन मांगोगे हम देंगे। तो उन्होंने क्या मांग लिया, राम को वनवास और भरत को राजा। तो ये क्या कहते हैं कि पिताजी ने तो अपना वचन निभाया लेकिन प्रेम के चलते, इस तरह से प्रेम थे राम के अंदर में कि वो अपने जीवन ही त्याग दिए। इसके साथ ही माता की कुबुद्धि का चक्र चला। इन दोनों के सिर संसार साक्षी है, इसके कारण मेरी सभा सभी माताएं अत्यधिक व्याकुल व दुखी है, जिसके चलते मेरे जितने भी माताएं सब क्या है, दुखी है। नगर के सभी नर नारी दुसह दुख से जल रहे हैं। जितने भी नर है, जितने नारी है इस सभा के, सब क्या दुख से जल रहे हैं। मैं ही इन सब अनर्थों का मूल हूँ। जितना भी ये सभी हो रहा है सबका दायित्व उत्तरदायित्व, जिसकी जिम्मेदारी किसकी है, सब मेरी। ये सब सुनकर और समझकर मैंने असहनीय दुख सहा है। भगवान शिव साक्षी है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी ने मुनि का वेश धारण करके वन को प्रस्थान कर लिया। जो वचन दिया तो इन्होंने क्या किया, मुनि का वेश धारण करके वन को प्रस्थान किया, वन में चले गए। वे जूतों के बिना पैदल ही बन गए। यह सोचना मेरे लिए घाव की बात ही पीड़ादायक है। अंदर से हमको घाव के जैसा लग रहा है कि बिना चप्पल लिए बिना जूता लिए खाली पैर चले गए वन में। इन सारे पराक्रम के साथ निषाद राज का अलौकिक प्रेम देखकर भी मेरा हृदय नहीं फटा, क्योंकि मेरा हृदय व्रज से भी कठोर है। जो ब्रज वज्र जो होता है, वज्र से भी मेरा हृदय कठोर है। मैं एक निर्दयी और हे व्यक्ति हूँ, यानी सबसे खराब जो उसको बोलेंगे सबसे निर्दयी, मेरे अंदर में दया थोड़ा सा भी नहीं है। अब यहाँ आकर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। यस जड़ जीव जीवित रहते हुए वह सब कुछ सहन करवाया, जिसको देख कर रास्ते की सर्पिनिया और माता बिच्छू भी अपने भयंकर विष और तीव्र क्रोध को त्याग देती है। ये जो हो रहा है इसको देखकर बोल रहा है, जो भिक्षु है भिक्षु भी अपने विष को त्याग कर रहे हैं।
वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, लक्ष्मण और सीता जैसे शत्रु जान पड़ते हैं, शत्रु प्रतीत होते हैं। उस कैकेयी के पुत्र भरत को छोड़कर यह भाग्य भला असहनीय दुख किस प्रकार सहन करवाएगा, अर्थात देव मुझ अधम को दुख देगा। मैं एक अधम हूँ, मेरे भाग्य में यह है, इसलिए मुझको ये दुख देगा। सब छोड़ के चला गया वनवास, मैं अकेला यहाँ पे रह गया, ये बोलते हैं। इसमें किसने लिखा था इनको? तुलसीदास ने। ये रामचरितमानस से थोड़ा सा लिया गया है, अयोध्या कांड से।